अपॉइंटमेंट से पीछे हट गए, उन्होंने बोला कि 3 की नीड है और यहाँ पर श्रिंक 40 रुपए की। वो दिन आ गया जब हम पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं। यारी मतलब जिंदगी वाली बात है यहाँ पे पूरी। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही हो गए और आपका नई वीडियो में स्वागत है। ये है केदारनाथ का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा 1 का, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी होगी, चैनल पे जाके फटाफट से देख लो। और ये हम अभी फिलहाल पार्किंग में, जहाँ पे आपको छोड़ा था वहीं पे आपको दोबारा मिल रहे हैं। भाई क्या कहना चाहोगे इस पार्किंग के बारे में? देख, यहाँ पार्किंग के बारे में ये कहना चाहेंगे कि भाई हम पिछले 2 घंटे से यहाँ स्टक है, बड़ी बस समझ जाओ जो भी है, इसीलिए मैंने बोला हेलीकॉप्टर में। भाई वो 2 राउंड मार के आ गया यार, यहाँ एक गाड़ी नहीं आ रही आगे। और अपनी मैंने बताया था आपको 10 गाड़ी, अब 8 गाड़ी रहती है, तो ऐसे ही मेरे ख्याल से एक एपिसोड और निकल जाएगा तो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगी जाएगी जैसी बाकी बाबा की मर्जी। और तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। फाइनली अब हमारी गाड़ी आ चुकी है 2 नंबर पे, वो जा रही है अंदर पार्किंग में 1-2। तो फिलहाल अभी टाइम हो गया है 2:19, अपने को लगभग 3 घंटे हो गए ना यहाँ। 3 घंटे अपने पूरे निपट चुके हैं, जिसे कहते हैं हैप्पीली वेस्ट किया अपन ने टाइम। यस ब्रो, हमारे कम से कम 6 घंटे रास्ते के वेस्ट। हाँ, रुकना जो कि क्योंकि हम एक बार नहीं रुकने का नहीं जोड़ते, जो रुकना तो भाई रुकना तो रुकने का। जो रात को हमारे को रोका गया वो काफी, अगर हमने वो वहाँ खींच लिया होता ना तो पार हो जाता, फिर तो हम ट्रैक स्टार्ट कर देते। अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गए, उन्होंने बोला कि 3 बजे निकल जाना, लेकिन 2:30 बजे निकल जाना, लेकिन अपनी कमिटमेंट से हटने के बाद वो हमारे को 4 बजे भेजते हैं। तो गाइज अपने को फाइनली पार्किंग मिल चुकी है, बट एक बुरी खबर भी है, बारिश हो रही है, देख रहे हो आप बूंदे और मोटी मोटी बूंदे हैं। तो कोई नहीं भाई, अब हो ही रही है तो हो ही जाए। और फिलहाल टाइम हो रहा है 2:46, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे, तो हर हर महादेव के साथ बढ़ते हैं आगे। भाई लोगों, एक सरप्राइज दिखाया जाए आपको, ये देख रहे हो, ये लौंडा अकेला आया हुआ है यहाँ पे, हमें नहीं बताया भाई ने। और ये तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि अरे ये तो हिमालयन बन जा रही की बाइक है। चलो कोई नहीं, ऊपर मिलते हैं भाई से। अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और हमने रेनकोट वगैरह ले लिया है, क्योंकि केशव ने नहीं ले रखा था और भाई ने नहीं ले रखा था। अब अपन यहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी, जो कि आई थिंक पर पर्सन 40-40 रुपए, जो कि अपने को छोड़ देंगे, हमको छोड़ देंगे गौरीकुंड, फिर वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा। लो गाइस, यहाँ से अपना ट्रैक होता है स्टार्ट। फिलहाल हम गौरीकुंड है, तो जय बाबा केदार। आपको गौरीकुंड में स्टे वगैरह, खाने पीने की चीज़ें एंड मेडिकल स्टोर्स भी मिल जाएंगे, मतलब आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। और ये रही अपनी पब्लिक, चलो 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 भाई, सारा सिस्टम सही है, बट ये जो घोड़े वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा दिक्कत है। ये देख रहे हो, कहीं भी भाई, लास्ट टाइम भी यही सीन था, अभी भी यही सीन है, अब क्या कर सकते हैं भाई। क्या है ये अल्टीमेट? अभी ऊपर भी धूप है, वो देख रहे हो, ये मेरे को लेने जा रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पहुँचूंगा वापसी में, इससे आना मेरे को। केशव, हाउ द जोश? ऑल टाइम हाई ब्रो, मजा आएगा। कार्तिक भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया ब्रो। तो हम लोग रेस्ट के लिए खड़े हैं, पूरा गीला हो गया अंदर से,
अरे रास्ता देख रहे हो, सारे गीले हैं अंदर अंदर, वैसे ठंड है, हवा बढ़िया चल रही है। सुनते रहो हर हर महादेव भाई, अलग ही स्लैश है तो। और आप जब भी ट्रैक कर रहे हो तो कोशिश करो कि स्टॉप लो तो खड़े रहना, बैठना नहीं, क्योंकि भाई उससे होगा कि आपके जो पैर हैं वो पंप हो जाएंगे। भाई का कहना ये है च्युइंगम चबाओ तो सांसें थोड़ी कम फूलेंगी, बट मेरे हिसाब से भाई सांसें बराबर ही फूल रही हैं। बट कोई बात नहीं, दिल को दिलासा तो दिया सकता है, दे सकते हैं आराम से। यार स्लश काफी हो रखा है ना। यस ब्रो, ये घोड़ों ने ना मामला खराब कर रखा है। पानी भरते हैं। ओ मेरी जान, केशव फुल पावर ऑन है। अलग ही सीन देख रहे हो, बर्फ ही बर्फ। और अब दोबारा से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। चलो स्ट्रिंग पीएंगे ब्रो। ओके ब्रो, स्ट्रिंग डन। चलो भाई, टोपी निकाल ली गई है, एक तो सिर पे बाल नहीं है और हवा लग रही है तो ठंड लग रही है भाई। देखो यार भाई, यहाँ सामान लेने का मतलब जो स्ट्रिंग 20 की है यहाँ तो डबल है। एक्चुअली हमारे को स्ट्रिंग की नीड है और यहाँ पर स्ट्रिंग 40 रुपए की, वो भी एक दो नहीं। गाइस यहाँ से केदारनाथ रहता है 12.5 किलोमीटर 12.5, और जंगल चट्टी आधे किलोमीटर है जो कि आने वाला है। आई थिंक आ ही गया है वैसे, क्योंकि यही है। गाइस फाइनली वो दिन आ गया जब हम पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई पहाड़ों वाली मैगी खा? बहुत बेहतरीन ब्रो, चंचन 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 हो रहे हैं भाई। हम फिर से रुके हैं भाई, अभी तो फिलहाल एक नंबर चल रहा है मामला। सबने गरम गरम कपड़े डाल लिए हैं। बिल्कुल भाई ने तो 3 लेयर डाल लिए, मैंने भी 3 लेयर, भाई ने भी 3 लेयर, फट गई है। भाई ने 5 लेयर, भाई की 4.5 बहुत मुश्किल से डाले हैं, वो हमें पता है, हम बता नहीं सकते, ठीक है। और बड़े चल रहा है, अभी लाइट चली गई थी और लोग अंधेरा वो हमने फ्लैश चालू किया, हम डायर पैर चलने लग गए भाई, बवाल कर देंगे फुल, ठीक है। तो अब यहाँ से रहता है भीमबाली आधी किलोमीटर और केदारनाथ 10.5 भाई, काफी सही हो रहा है अभी तक, एक नंबर, इतना कोई थका नहीं है, थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट है क्योंकि इतना कोई नहीं थका, सुबह 5:30 से जगे पड़े हैं लेकिन। हाँ कल के, आज कल के वो भी, और आज सुबह 5:30 तक के सोने का प्लान है नहीं, और इतना कोई नहीं थका हुआ। हाँ बस भगवान की कृपा है वो तो, बाकी चलते हैं। ले गई है गाइस, फिलहाल हम हैं रामबाड़ा वाले कट पे, लेफ्ट राइट जाता है और एक जाता है सीधा, तो सीधा वाला रास्ता थोड़ा जल्दी डाउन राइट वाला है थोड़ा दिक्कत वाला है क्योंकि लंबा है, इस वजह से दिक्कत वाला है। पाजी हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा और अभी हो रहा है टाइम 8:30 और अभी भी बाकी है, लगभग 8 किलोमीटर बाकी है, आ जाएगा जल्दी, हो जाएगा मामला सेट, देखेंगे। लाइट चली गई, यही हो रहा है भाई यहाँ, क्या बात। काफ़ी देर के बाद रुके हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने लायक क्योंकि अंधेरा था, वो देख रहे हो सकल देखे,
मर गए भाई, खत्म है खत्म, फुल पावर भाई फुल पावर, क्या स्नो वाइट एलिना की फुल पावर में मर गए। और अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है, लग रही है भाई गाड़ी चले जा रही बिना पेट्रोल के, ये वाली गाड़ी देख लो खत्म, अभी भरेंगे डीजल मारेंगे। और बोले वो दिन से मिस रहे यार, दूसरे देख लो पार्टी जो बहुत बढ़िया, सिस्टम पूरा हैंग हो रखा भाई, ये चढ़ाई तो अचानक से आ गई, बवाल चढ़ाई है, क्या हो गया भाई, फेफड़े फेफड़े जवाब दे गए भाई, यहाँ आओ तो तैयारी से आओ, पूरे तैयारी मतलब जिंदगी वाली बात है, यहाँ पे पूरी रनिंग करके आओ भाई, रनिंग भाई 2500 रुपये खर्च करने का इम्तिहान हो रहा है, रनिंग करके आएगा, ये 2500 रुपये हेलीकॉप्टर के हैं भाई, वो ज़्यादा बेस्ट है, वैसे भी वो ज्यादा नहीं, वो वर्थ है, वो पैसे देना वर्थ है भाई, बिल्कुल नहीं आना। अरे वो कहाँ गया, बैठे वो जा रहा हाँ, कार्तिक जान दे। तो गाइस गुड मॉर्निंग है सबको, और गुड मॉर्निंग है केदारनाथ से, और भाई हम लोग रात को रुक गए थे, दिखाने लायक कुछ टाइम कुछ था नहीं, तो ये देख रहे हो ये टेंट, टेंट में रुके थे, तो आज की रात अपनी कहाँ निकली है, टेंट में दिखाया जाएगा, ये देख रहे हो पूरे टेंट में सिर्फ अपन 5 लोग, रात को क्या होता भाई, भाई।